हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सारे ठीक होंगे। ठीक है जी। इन लास्ट क्लास बेटा हमने केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी बेटा, वेरी इजी चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, बट वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ की थी। टुडे वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ये आपने छोटी क्लासेस में भी जरूर 8th में भी किया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में सबसे पहले बेटा दे आर थ्री काइंड्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दे आर थ्री काइंड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वी डिस्कस वन बाय वन, वी डिस्कस वन बाय ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ऑल मैटर इज क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है जी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बेटा, प्रॉपर्टीज वाले सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स देखें। आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सम ऑफ द कॉमन सॉलिड अराउंड अस जो हमारे आसपास दिखते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं। वुड देखते हो, टेबल देखते हो, स्टोन देखते हो, दीज आर दी जनरली आपके आसपास जो कॉमन सॉलिड्स होते हैं। देन द प्रॉपर्टीज दैन ऑफ द सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। आपके लेट इट भी कोई एग्जाम्पल, आपके आपके पास कोई स्टोन है, उसकी शेप भी फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। बहुत ईजी सी लैंग्वेज में मैंने आपको बना के, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। दे हैव अ हाई डेंसिटी, दे आर हैवी बेटा, दे हैव अ हाई डेंसिटी। दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। लेट इट भी मैं कोई स्टोन या आयरन बाहर से रख के रख देती हूँ रूम में, वो रूम को सारी जगह नहीं ले सकते। से दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, वॉट इज रिजिड, जो इनफ्लैक्सीबल होते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सो जो सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट फ्लो, दे आर रिजिड होते हैं, दे आर रिजिड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको आप बेटा रोक के जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ पे प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करिए। जब मैं आपके साथ क्लास लूँगी, नेक्स्ट क्लास जूम पे अगर कोई लेती हूँ, उसमें वी डिस्कस ऑल दिस प्रॉपर्टीज अगेन। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर्टीज। देन इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड आर वाटर, मिल्क, जूसेस, इंक, ऑयल, कैरोसिन ऑयल, दिस ऑल आर लिक्विड्स। द लिक्विड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। आपने देखा होगा उसका वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर है तो मीन्स 1 लीटर ही रहेगा, बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। शेप नहीं फिक्स होती। मैं अगर जग में पानी डाला हुआ है, देन इट शिफ्ट टू द बकेट, तो बकेट की शेप ले लेगा। बकेट से मैं ग्लास में डाल देते हैं, टेक द शेप ऑफ अ ग्लास। सो इट टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज प्लेस। सो उसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड्स का, फिक्स होता है, बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। देन इज लाइक सॉलिड्स, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड्स भी नहीं कंप्रेस होते, लिक्विड्स भी कंप्रेस नहीं होते, बट स्लाइटली हो सकते हैं। दे आर कंपेरेटिवली वेरी, हम कहते हैं कि गैसेस के कंपेरेटिवली देखें तो दे आर वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल। सो लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, बट हो सकते हैं बच्चे, यस दे आर कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव मॉडरेट और लो डेंस देन दी हाई डेंसिटी। जो गैस आपके सॉलिड्स होते हैं उनकी तो बहुत हाई डेंसिटी होती है, बट जो लिक्विड्स होते हैं दे हैव अ मॉडरेट, दे हैव अ मॉडरेट, दे हैव अ यूजली लेस डेंसर देन दिस सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट, डू नॉट फ्लो द कंटेनर, डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर को पूरा फिल नहीं कर सकते। लेट इट भी मेरे पास 1 लीटर वाटर है, अगर मैं किसी बकेट में डालती हूँ, बकेट पूरी नहीं भरेगी बेटा। से दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड्स जनरली फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर जाते हैं। आपने देखा है कि अगर आपका पानी का ग्लास नीचे गिरता है, इट कैन फ्लो ईजली। लिक्विड्स पानी देखा है आपने, रिवर्स में देखा होगा, रिवर्स में वॉट लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बेटे इन्हें ट्राई करिए, मैं फाइव फाइव प्रॉपर्टीज आपको लर्न करवा रही हूँ, एंड इसको लिख लीजिए एंड लर्न कर लो बेटा। सो वेरी इजी पार्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस के एग्जाम्पल बताओगे अपने आसपास? एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्टीम, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेस।
गैसेस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी आपके आसपास. सबसे पहले तो गैसेस में आपको एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सो हाइड्रोजन है, मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन है. सो ऑल दीज आर गैसेस. देन वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में क्या आता है, गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. ना ही इनकी कोई शेप फिक्स होती है, ना ही इनकी कोई वॉल्यूम होती है. लेट इट बी मेरे पास कोई गैस है, उस गैस को मैं किसी, आपके पास जो गैस है आपने उसको क्या किया, बड़े किसी हॉल में छोड़ दिया, वो पूरे का पूरे हॉल में चली जाएगी बेटा. सो इट डू नॉट हैव फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम. ना ही गैसेस के फिक्स शेप होती है बेटा, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. कोई गैस की शेप तो होती नहीं बेटा, जिस रूम में छोड़ दोगे उसी की शेप ले लेते हैं, उसी में सारी जगह पे एक दूर दूर चले जाते हैं इनके पार्टे. ना ही इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. आपने कभी गैसेस को, कभी आपके देखा कोई गैस ऐसे स्प्रे छोड़ दो तो सारे के सारे कंटेनर, अगर आप बाहर एयर में छोड़ दोगे तो सारी जगह, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम. दे आर वेरी मच कंप्रेसिव. गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि दूर दूर है इनके पार्टिकल्स में तो स्पेस होएगी. ड्यू टू दिस स्पेसिस द गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल होती हैं. गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं. अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी गैसेस के इनकम्प्रेसिबिलिटी को. देन इज थर्ड प्रॉपर्टी, गैसेस हैव लो डेंसिटी, दे आर वेरी वेरी लाइट. सो गैसेस क्या होती हैं, बहुत लाइट होती है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत लो होती है. सो देन गैसेस कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. येस बेटा, आप किसी गैस को छोड़ दो, आप जिस जो अब मान लीजिए कोई गैस है आपके पास किसी छोटी सी उसमें, आपके पास बॉटल में है, उसके गैस के बॉटल को खोल दो, वो सारे रूम में जगह ले लेती है. सो दे कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. गैसेस कैन ईजिली फ्लो एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम में गैसेस कैन ईजिली फ्लो हो जाते हैं. अब मैंने आपको बताया था गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. इस पॉइंट को हम अब डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट मेरा पॉइंट जो गैसेस में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है, अब मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ. सो गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल. कैसे होते हैं गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए जी, गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस की क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है. सो गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. दे कैन बी कंप्रेस इंटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम. आपने अपने घर में एग्जाम्पल देखी है, आपके घर में एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं. एलपीजी सिलेंडर्स में एलपीजी क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है. आपने उस सिलेंडर्स के अंदर क्या कहता है, एलपीजी के सिलेंडर जो गैस होती है उसको कंप्रेस कर देते हैं. बाय कंप्रेसिंग गैस क्या बन जाती है, लिक्विड. अब सिलेंडर को हिला के देखो ऐसे लगता है उसके अंदर लिक्विड होता है, बट एक्चुअली इट्स अ गैस. उस गैस को अगर हम कंप्रेस कर देते हैं, उसके पार्टिकल्स क्या आते हैं, क्लोज आ जाते हैं. उसके पार्टिकल्स क्लोज आने से वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है. सो कुकिंग गैसेस आपके सिलेंडर्स क्या होते हैं, प्लेस टू प्लेस वन, प्लेस टू अनदर प्लेसेस क्या होते हैं, आपके गैसेस के सिलेंडर्स क्या होते हैं, आपके भेजते हैं. तो गैस सिलेंडर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो कैसे भेज रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन गैसेस, बेटा गैस तो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं. गैस को हम जब कंप्रेस करते हैं, गैसेस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो दे बिकम लिक्विड. सो लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ईजी होती है. सो गैस सिलेंडर्स इन आवर हाउस कैन बी ए कंप्रेस्ड गैस. क्या है आपकी, कंप्रेस्ड गैस होती है बेटा, इट्स अ कंप्रेस्ड गैस है. देन इज आपने एक और एग्जाम्पल सुनी होगी, सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं. सीएनजी, सीएनजी क्या होती है, आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस होती है ना उसको कंप्रेस करके डालते हैं. ये आपके ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में, बसेस में, कार्स में क्या होती है, यूज हो रही है. ये क्या हो रही है, यूज हो रही है. सो दिस इज गैसेस कैन आर हाईली कंप्रेसिबल. अगर मैं गैस को कंप्रेस करती हूँ तो ये लिक्विड बन जाते हैं. आपको पता है, मैं अगर गैस को और ज़्यादा कंप्रेस कर दूँ और लो टेम्परेचर कर दूँ और हाई प्रेशर और कंप्रेस कर दूँ, देन इट ऑल्सो कन्वर्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड भी बन जाते हैं गैसेस. वो मेरा टॉपिक आगे आएगा, मैं उसमें बताऊँगी इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में. सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेज के अंदर क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेस. ड्यू टू दिस स्पेसेस गैसेस को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं. जब वो कंप्रेस होते हैं पार्टिकल्स पास आते हैं, दे बिकम लिक्विड. सो हॉस्पिटल्स में आपने देखा ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स आ रहे होते हैं. सो दीज गैसेस कैन बी कंप्रेस करके गैसेस के सप्लाई को ईजी करते हैं पास. और जब हम कंप्रेस करते हैं तो जगह भी कम लेती है.
तो दैट मीन्स कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. उसमें एग्जांपल एलपीजी गैस, ऑक्सीजन गैस. आपके पता है एलपीजी और ऑक्सीजन गैसेस के सिलेंडर पेशेंट्स के पास जाते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, तो उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके डाला होता है. तो दैट मीन्स गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल, गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल. देन इस आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन. एक नया वर्ड आया हमारे पास सीखने के लिए. व्हाट इज डिफ्यूजन बेटा? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन विद अनदर. दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. एक्चुअली तो व्हाट इज डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग. डिफ्यूजन मीन्स अगर हम अपनी पुरानी छोटी क्लास में तो कोई दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हम क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन मीन द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो अगर मैं एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को मिक्स कर देती हूँ, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को क्या करती हूँ, मिक्स करती हूँ, देन दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. आपको पता है सबसे ईजी डिफ्यूजन किस में होती है? एग्जाम्पल पे समझो तो सबसे ईजी डिफ्यूजन किस में होगी आपको? गैसेस में, फिर सॉलिड्स, देन इज लिक्विड्स, देन इज लिक्विड्स. सो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा आपका? मीन्स मिक्सिंग ऑफ वन एंड अनदर पार्टिकल विद ईच अदर. सो डिफ्यूजन आपकी वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं. डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बेटा डिफ्यूजन? किस पे? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. आपको हमने पिछले क्लास में किया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में. पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मिक्स होते हैं. सो डिफ्यूजन अकर इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड. डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैसेस होते हैं बिकॉज पार्टिकल्स इन द गैस मूव वेरी रैपिडली. सो डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होती है? गैसेस में. देन डिफ्यूजन किस में होती है? लिक्विड्स में. और सबसे स्लो कहते हैं किस में होती है? इन दिस सॉलिड्स होते हैं बिकॉज सॉलिड के अंदर कैसे बहुत कम क्यों होते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव मच. पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते ना बेटा. सॉलिड के पार्टिकल्स क्या नहीं करते मूव? लेट इट बी मेरे घर में आयरन है और कॉपर है, मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूँ तो अगर मैं इनको रख दूंगी, एक आयरन की रॉड पड़ी है कॉपर की रॉड में, कल मैं देखूँ दोनों मिक्स नहीं हो सकते. बट आपको एग्जाम्पल समझो, आपके रूम के अंदर एयर है, एयर के अंदर कितनी सारी गैसेस देखो इजिली क्या होती हैं, क्या होती है, मिक्सिंग हुई हुई है. इंक लिक्विड है ना एंड वाटर, ठीक है जी, दोनों क्या है? लिक्विड है. सो दैट मीन्स कि वो भी क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है. सो डिफ्यूजन सबसे ईजी किस में होती है आपकी? सबसे ईजी किस में बोलिए? गैसेस में, देन लिक्विड, और सबसे डिफिकल्ट आपकी किस में है? सबसे डिफिकल्ट किस में होगी? सॉलिड्स में होगी. सबसे डिफिकल्ट है सॉलिड में. सबसे इजी बोलो बेटा, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे. डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस है, ठीक है जी. सबसे इजी डिफ्यूजन किस में होती है आपकी? गैसेस में, यस. फास्टेस्ट इन द गैसेस होती है, देन इज इन लिक्विड, देन सॉलिड. सॉलिड के अंदर सबसे मुश्किल है बेटा, ठीक है जी, बट होती है, बट वेरी स्लो होती है. सो फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. आपको पता है डिफ्यूजन हमें एक और चीज़ बताता है. डिफ्यूजन टेल्स अस क्या बता रहा है हमें? टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. सो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हाउ एवर फास्टर देन द सॉलिड. द रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे थे? इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. एक और बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे. सो डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने कोई दो चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा मिक्सिंग उतनी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी. उतनी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर. वाई? अभी क्वेश्चन आ सकता है डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ क्यों इंक्रीज करता है. सो बेटा इसका बहुत ईजी सा आंसर, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सो का पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. जब पार्टिकल्स की
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से मींस एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उनकी जो होगी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट पे डिपेंड करती है, तो जितने वो मूव ज़्यादा करेंगे उतनी डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सो क्वेश्चन आ सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आप क्या लिखोगे इसमें क्वेश्चन में आंसर क्या है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दे, ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, इंक्रीज। सो देन वी डिस्कस वन बाय वन डिफ्यूजन, पार्टिकल्स को अब हम करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन इन गैसेस, एग्जाम्पल्स आती हैं बेटा इसकी, डिफ्यूजन इन गैसेस की देखिए, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस में सबसे पहले द स्मेल ऑफ फूड बींग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन कंसिडरेबली डिस्टेंस। आपके किचन में, घर में मम्मा खाना बनाते हैं, आपको तो सारे रूम में खुशबू आनी शुरू होती है, ये स्मेल हमारे पास कहाँ से पहुँच रही है? आपने देखा होगा किचन में खाना बन रहा होता है, हम अपनी बुक्स छोड़ने शुरू कर देते हैं कि यस किचन में खाना क्या हो रहा है, कुक हो रहा है, आपको कैसे पता लगा किचन में खाना, उसकी स्मेल आपके पास आई है। सो एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, दिस इज क्यों आई है, दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन, दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। इवन द फ्रेगनेंस, आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं उसकी फ्रेगनेंस सारे घर में आती है, आप रूम में कोई आप रूम स्प्रे कर दीजिए, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, आपके पास कैसे पहुंच गई उसकी फ्रेगनेंस, दैट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन। सो द फ्रेगनेंस ऑफ द एनी थिंग, आप कोई पर स्मेल ऑफ परफ्यूम ले लो, आप अपने रूम में कोई बहुत अच्छा सा स्प्रे करते हो, उसकी फ्रेगनेंस आपके पास कहाँ से, दैट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन, दैट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन। सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन एक सिंपल मीनिंग, डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब आप कोई रूम में स्प्रे करते हो, उसके जो स्प्रे होता है या परफ्यूम होता है, उसके पार्टिकल्स क्या आते हैं, एयर के पार्टिकल्स में क्या आते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दिस मिक्सिंग, और इसको दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग, दिस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद वन अनदर, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो दिस इज द डिफ्यूजन इन गैसेस आगे, देन द डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, हम इसको समझते हैं, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन इज लिक्विड इज स्लोअर देन द गैसेस, स्लो होता है बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जैसे स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम पर मैगनेट इन वाटर, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था ना, पोटाशियम पर मैगनेट के क्रिस्टल्स वाटर में डालते तो पानी किस कलर का टर्न हो जाता है, टर्न्स इनटू पर्पल कलर, दैट इज़ अ डिफ्यूजन ना बेटा। आप डिफ्यूजन कहते स्लो होती है गैसेस के, बट लिक्विड में भी दैट स्लोअर देन द गैसेज हैं, बट कंपेरेटिवली क्या होती है, फास्ट होती है। अब हम रिलेटेड भी आपके घर में मिल्क है एंड वाटर, आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग, डिफ्यूजन के अंदर होता है क्या, प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में मिक्स टुगेदर होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स टुगेदर होते हैं, दैट इज डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स कहते हैं, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो, बट बट ये नहीं है कि होती नहीं है, बट इट्स वेरी स्लो। कहते हैं व्हेन अ टू मेटल ब्लॉक्स हेल्ड टुगेदर टाइटली केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर द फ्यू ईयर्स द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल फाउंड इन द डिफ्यूज इन द अदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, आपके घर में एक आयरन की बार है, एक कॉपर की बार है, आप दोनों को ना बेटा बांध के बाइंड करके रख दो, आप 1 महीने में देखोगे कुछ नहीं होगा, 2 महीने, बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स के बाद देखोगे जो आयरन की रॉड है ना बेटा, आफ्टर फ्यू ईयर्स जो आयरन की रॉड होएगी उसकी जो ऊपर वाली लेयर होएगी उसके अंदर कुछ कॉपर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जो कॉपर की लेयर है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स किसके आ जाएंगे, आयरन के आ जाएंगे। सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होती है बट इट्स वेरी वेरी स्लो, पर ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, होती है बेटा, बट इट विल टेक सम टाइम्स, हम कहते हैं ईयर्स भी लग जाते हैं। फिर सबसे फास्ट डिफ्यूजन किस में होगी आपके, सबसे फास्ट किस में होगी, यस सबसे फास्ट गैस में, देन लिक्विड्स में, फिर सॉलिड में। होप है कि सबको डिफ्यूजन वाला पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आने वाला है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपको पता है हमारा टेम्परेचर के लिए इंडिया में जनरली कॉमन यूज़ क्या होता है, सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ
सेल्सियस स्केल. इन सम कंट्रीज वी यूज फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल. सो इन अवर कंट्री वी जनरली यूज सेल्सियस स्केल. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? पहले मैं अब टेम्परेचर, हमारा जो हम मानते हैं 0 डिग्री इस किसके लिए होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस. एंड 100 डिग्री इज बॉइलिंग ऑफ वाटर. 100 डिग्री इज फॉर दी बॉइलिंग ऑफ वाटर. 0 डिग्री क्या होता है? अगर हम 0 डिग्री पे मानते हैं तो आइस मानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. 100 डिग्री इज दी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन में अगर देखें, केल्विन में इट्स 273 केल्विन. मैं अभी आपको रिलेशन बताऊंगी. एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 373. इन ए केल्विन में अगर मैं बोलूँ तो आइस का क्या होता है? 273. एंड बॉइलिंग पॉइंट इज, इसका एक रिलेशन है बेटा, फॉर्मूला है. सो 0 डिग्री किसके इक्वल होती है? 273 केल्विन के इक्वल होती है. सो हमारे जो स्केल होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? 0 सेल्सियस. केल्विन में उसका क्या होता है? 273 केल्विन के इक्वल. सो 0 सेल्सियस किसके इक्वल होती है? 273 केल्विन के होते हैं. सो अगर आपको कभी भी कोई रिलेशन निकालना हो इसके लिए वी यूज़ अ फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे देखिए. जिसको टेम्परेचर इन केल्विन किसके इक्वल होता है? टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273. बट मीन्स अगर आपने सेल्सियस में टेम्परेचर उसको केल्विन में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? केल्विन में. तो वी यूज दिस, के इज इक्वल टू सी प्लस 273. लेट इट बी, मैं क्वेश्चन कहती हूँ कि 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस उसको केल्विन में जाए, तो सेल्सियस की जगह 0 पुट कर दो फॉर्मूले में, प्लस 273. केल्विन में आंसर आ जाएगा 273. लेट इट बी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपका कितना है? 100 सेल्सियस है. बॉइलिंग पॉइंट कहता है 100 सेल्सियस, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो और प्लस 273 कर दो. 100 प्लस 273 आंसर कैलविन में क्या आ जाएगा? 373. सो के क्या फॉर्मूला बनता है? के इज इक्वल टू सी प्लस 273. अगेन के किसके इक्वल है? कैलविन का. कैलविन के लिए मैं के लिख रही हूँ फॉर्मूला में. के इज इक्वल टू सी प्लस 273. प्लस 273, तो के इज इक्वल टू सी प्लस 273 एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास. क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया. सो दिस इज़ दी नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ से आपको टेम्परेचर पता लग गया. नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा बेटा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. आपको पता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. चलिए अगेन अब हम इसको डिस्कस करते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? सॉलिड टू लिक्विड बन जाता है. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इन टू लिक्विड. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. सो अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को क्या करते हैं? हीट करते हैं और वो क्या बन जाती है? लिक्विड. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. आपने छोटी क्लासेस में भी पक्का किया है. द टेम्परेचर और एक और डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एट एटमॉस्फेयर. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे बेटा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड पे चेंज होता है एटमॉस्फेयर. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है? व्हाट इज मेल्टिंग? सेकेंड, वट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. वट इज मेल्टिंग? वेरी इजी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इन टू द लिक्विड ऑन हीटिंग. ऑन हीटिंग दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. क्लियर है बेटा? वट इज मेल्टिंग क्लियर हो गया आपको? देन इज वट इज, अगर नेक्स्ट इज वट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट इज एंड चेंजेस इन टू द लिक्विड. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. याद रहेगी बेटा डेफिनेशन? व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इन टू लिक्विड ऑन हीटिंग. याद रखना. एंड टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सब्सटेंसेस मेल्टेड एंड चेंजेस इन टू द लिक्विड एट एटमोसफेरिक प्रेशर. डेफिनेशन नहीं चेंज करने, एट एटमोसफेरिक प्रेशर. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. देन लिक्विड किस में चेंज हो जाता है आपका? गैसेस ऑन बॉइलिंग. आपने देखा होगा आप पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है. देन नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक क्या रहा है? दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वेपोरेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन. देन वट इज बॉइलिंग क्या होता है?
तो बॉइलिंग क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इन टू द गैस ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इन टू द गैस ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस इन टू द गैस एट एटमोसफेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसमें से क्या बेसिक डेफिनेशन, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? वट इज़ बॉइलिंग एंड वट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वट इज़ बॉइलिंग? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इन टू गैस ऑन हीटिंग, गर्म करने से जब लिक्विड क्या बन जाती है? गैस, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या बन जाए? गैस बन जाए एट एटमोसफेरिक, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है जी? वट इज़ बॉइलिंग एंड वट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर बेटा? देन इज द लिक्विड, नेक्स्ट इज गैसेस चेंजेस इन टू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इन टू लिक्विड, अब गैस को अगर ठंडा कर दो तो क्या बन जाती है? ऑन कूलिंग इट चेंजेस इन टू द कंडेंस, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कई बार आप पानी बॉयल करना रखते हो, पानी के ऊपर ना गैस बननी शुरू हो जाती है, आप उसको लिड से क्लोज कर दो, ढक दो। जो लिड होती है उसको थोड़ी देर बाद उठाओगे तो लिड के ऊपर जो होगी लेयर होगी उसके ऊपर वाटर के पार्टिकल्स बने होते हैं, वाटर वेपर्स बने होते हैं। सो दैट मीन्स कि ऑन कूलिंग गैस क्या बन जाती है? लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये आपने छोटी क्लासेस में भी जो किया, व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू द लिक्विड। जो गैस होती है अगर आप उसके ऊपर लिड क्लोज कर देते हो, उसे ठंडा करते हो, तो वो क्या बन जाते हैं? वाटर पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देन इज वेरी इजी, नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड टू द सॉलिड। आप लिक्विड टू द सॉलिड होता है, यस, बड़ी एग्जाम्पल ईजी है। आप अपने घर में फ्रिज में पानी रखते हैं, फ्रीजर में, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स इट चेंजेस टू फॉर्म सॉलिड, आइस बन जाती है। लिक्विड टू पानी से क्या बन जाती है? आइस। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इन टू सॉलिड बाई कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। सो दिस इज जो फ्रीजिंग होती है उसका दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। सो फ्रीजिंग की जगह पे समटाइम्स वी ऑल्सो यूज सॉलिडिफिकेशन। क्या यूज कर सकते हैं? सॉलिड। सो वट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इन टू सॉलिड सो बाई कूलिंग, ठंडा करने से। आप पानी को फ्रीजर में रखते हो, जैसे ही फ्रीजर में रखते हो आफ्टर फ्यू आवर्स देखते हो जो पानी होता है ना उसकी जो अंदर हीट होती है वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर ना कूलिंग पाइप्स लगे होते हैं। सो जो पानी के अंदर से आप हीट को एब्जॉर्ब करोगे, पानी ठंडा हो जाएगा। ऑन कूलिंग इट चेंजेस टू फॉर्म फ्रीजिंग, एंड द फ्रीजिंग इज ऑल्सो नोन एज, आप फ्रीजिंग को एक और वर्ड दे सकते हो, दैट इज आप क्या बोल सकते हो उसे? फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल सकते हो? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। देन इज आपका एक, देखो ये मैंने एक नीचे चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखो अगर आप सॉलिड को हीट करते हो तो क्या बोलते हैं? लिक्विड चल रहा, दिस इज मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर है जी? सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? लिक्विड। लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है, दिस इज बॉइलिंग बोलते हैं। फिर गैस को अगर आप ठंडा करते हो तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को ठंडा करते हो तो सॉलिड बनता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये आपने बहुत इजी देखो पार्ट है, सॉलिड को ठंड में गर्म करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं इसके बाद बेटा एक क्लास फिर आपकी आके ना उसके साथ मैं जूम पे भी लूँगी, उसमें हम यही सारी चीज़ें अगेन एक बार डिस्कस करके प्रैक्टिस वर्कशीट में दें। बट आज आपका ना रिटन वाला पार्ट ज़्यादा था, इसीलिए मैंने आपको इस पे दिखाया कि एक बार आप रिटन वाला पार्ट सारा देख सको। सो मैं एक बार हम डिस्कस कर लें, आज हमने क्या क्या किया था। वी स्टार्ट किससे किया था हमने, याद है? आज सबसे पहले जो हम हमने डिफ्यूजन किया था, चेंज इन टेम्परेचर किया है, एंड सबसे पहले सॉलिड लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज की थी। क्या की थी? सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज की थी। सो आज वाला पार्ट हमारा जो है रिटन वाला पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आज आपको आपको समझाया है, एंड इसको आप रोक के जहाँ को अपनी प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की थी, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। देन उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी की थी? गैसेस की, याद है ना? गैसेस की क्या होती है? फिक्स वॉल्यूम होता है बट नॉट फिक्स शेप नहीं होती। देन इज गैसेस, गैस की
की क्या प्रॉपर्टीज थी बेटा? नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम. गैसेस के एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर दिस डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ गैसेस. ये मैंने गैसेस के सारी फाइव प्रॉपर्टीज. एंड गैसेस के पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया था, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. कोई एग्जाम्पल दे सकता? जैसे एलपीजी गैस है, सीएनजी आ गई, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स आ गए. सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बेटा. देन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की डिफिनेशन, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है जी. डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होती थी? यस, बताइए मुझे. सबसे फास्ट फास्ट होती है गैसेस में. फिर सबसे फास्ट आपकी गैसेस में. मैंने आपको बताया था एग्जांपल, आपकी फूड की स्मेल अगर किचन से अपने आपके रूम्स तक पहुंच रही है, दैट इज़ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. देन डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. आपके इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इजी ले लो, इंक एंड वाटर ले लो आप. डिफ्यूजन इन लिक्विड्स होगी. डिफ्यूजन इन सॉलिड सबसे स्लो होती है, इट विल टेक समटाइम्स फ्यू ईयर्स. देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर में आपको मैंने सेल्सियस कराया, केल्विन कराया, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट से एक फॉर्मूला बताया, के इज इक्वल टू सी प्लस 273. के इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना, के इज इक्वल टू सी प्लस 273. देन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर सॉलिड को अगर गर्म करोगे तो क्या बन जाती है? लिक्विड. मेल्टिंग, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. फिर लिक्विड को हीट करोगे तो क्या बन जाती है? गैस. दिस इज कॉल्ड बॉयलिंग. यस बच्चे, याद रहेगा बॉयलिंग. देन इज गैस को ठंडा करोगे तो कंडेंसेशन होते हैं. दिस इज कूलिंग, ऑन कूलिंग. एंड लिक्विड को ठंडा करोगे तो फ्रीजिंग होती है. एंड देन लास्ट इज दिस. आई होप आपको सारों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा. अगर मेरा बहुत अच्छा लगे लेक्चर तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही है. अगली क्लास में मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगी. आपका लेटेंट हीट हो रहा है, अगला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा एक नया सा. ठीक है जी. थैंक यू बच्चे. थैंक यू.